देश में सबसे मेहनती समाज कोई होगा तो मुझे लगता है वो सिंधी समाज है। पत्थर को भी हीरा बनाने की ताकत जिसमें है तो शायद वो आप लोगों में, बाकी कोई पत्थर को हीरा नहीं बना सकता। पिछली बार मैंने आप लोगों का दूसरा ग्रुप होगा मुझे पता नहीं, सेम ग्रुप था तो तभी भी मैं बैठ के आप लोगों को देखी थी। सिंधी में नाटक करना, अपने लैंग्वेज को बाहर लाके अपने लोगों के बीच में ताकत से रखना। हम ज़रूर अपनी लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं, हम ज़रूर अपनी लैंग्वेज को पीछे रखते जा रहे हैं, हम प्रिफरेंस दूसरे मदर टंग को दे रहे हैं, पर अपनी प्रिफरेंस देना, इंग्लिश हैज़ टू बी मस्ट, पर अपनी मदर टंग ये भूलना नहीं चाहिए। और कहीं पर भी रहे, आप साउथ इंडियन को देखिए, तमिलियंस को देखिए, मलयालीस को देखिए, उनको सब लैंग्वेज आती है पर वो कभी किसी और के साथ में दूसरी लैंग्वेज नहीं बात करते। उन लोगों को मजबूर करते हैं कि आप हमारी लैंग्वेज सीखो, हम तुम्हारी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो करता है समाज के लिए, आगे आके काम करना ज़रूरी नहीं है, समाज को बढ़ाने के लिए पहले अपने परिवार में वो समाज पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और जिसने वो किया शायद वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश में सबसे मेहनती समाज कोई होगा तो मुझे लगता है वो सिंधी समाज है। पत्थर को भी हीरा बनाने की ताकत जिसमें है तो शायद वो आप लोगों में, बाकी कोई पत्थर को हीरा नहीं बना सकता। छोटी दुकान को, छोटे व्यापार को बड़ा शोरूम कैसे बनाना है वो आप लोगों से सीखना पड़ेगा। और इसी कम्युनिटी से शायद मैं भी बिलोंग करती हूँ। गुरु नानक देव जी को आप मानते हैं और उनके ही परिवार से, वही समाज से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपके ही परिवार की हूँ। आशीर्वाद लेते हुए, अपने शब्दों को यहीं ज़्यादा बढ़ाते हुए आप सब आशीर्वाद देंगे इतनी। आयो लाल के, धन्यवाद।